आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम सॉल्व किस तरह करते हैं, उसका कोई BFS हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम पढ़ने वाले हैं। इसके 3 मेथड होते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट मेथड है वो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड। सेकंड होता है लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड या मेथड ऑफ मैट्रिक्स मिनिमा, और थर्ड होता है वो होता है अपने पास वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। फिर इनमें से मेथड और भी हो सकते हैं हमारे पास, जैसे नॉर्थ कोस्ट में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल को हम ईस्ट वेस्ट कॉर्नर रूल कर दें, कोई भी हम रूल कर सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है उसके जो BFS होंगे वो हमने जो पुरानी वीडियो में बताए थे कि हमने जो पुरानी वीडियो में जो बताया था हमने हमने बताया था कि फ्रेंड्स जो कि फोर हमने ये बताया था फोर अ बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विद एम सोर्स एंड एन डेस्टिनेशंस, नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल m+n-1 होने चाहिए, नंबर ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल m+n-1 होना चाहिए, और मैक्सिमम नंबर ऑफ BFS ये हमें कितने हो सकते हैं वो हमें निकालना होता है। हमें सिर्फ याद रखना है नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल m+n-1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम सॉल्व करते हैं इनको। तो फ्रेंड्स पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, वो अपने पास मेथड है। पहला मेथड जो है अपने पास वो है अपने पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। तो पहले मेथड से सॉल्व करते हैं हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। तो इसके लिए हम सब इसको टेबल को दोबारा से बनाते हैं। इसको O1, O2, O3, D1, D2, D3, यहाँ पे डिमांड है अपनी, जो डिमांड है वो क्या है अपने पास, डिमांड 30, D4 भी है इसमें 30, 30, 40 एंड 50, और यूनिट अवेलेबल है वो है हमारे पास 20, 60 एंड 70। फ्रेंड्स ये है हमारे पास, और साथ ही हमारे पास जो कॉस्ट है पर यूनिट कॉस्ट दी हुई है वो है अपने पास 13, सॉरी इसको हम यहाँ कॉर्नर में लिख लेते हैं 13, 11, 15, 13, 11, 15, 14, 17, 14, 12, 13, 18, 18, 15 एंड 20। फिर ये लिख लिया हमने। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में क्या होता है कि जितनी हमारे पास डिमांड है, और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट इस कॉलम से हमें भरना स्टार्ट करना है, और जो भर उसमें कितना आएगा मिनिमम ऑफ BI एंड XI, मतलब मिनिमम ऑफ BI और या फिर AI, जो इनमें जो मिनिमम है वो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे मिनिमम क्या है 20, मतलब यहाँ पे अवेलेबल कितनी थी 20, अवेलेबल 20 है, तो ये अपने पास जो 20 है वो इसको सेंड कर देगा। लेकिन यहाँ पे डिमांड में अभी कमी है, इसके पास 10 की और ज़रूरत है हमें, तो ये 10 की ज़रूरत यहाँ से पूर्ति करेगा हमारे यहाँ से, यहाँ इससे बी ये A2 से हमारे पास ये पूर्ति करेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से 10 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अपने पास जो शेष अवेलेबिलिटी जो है वो अपने पास 50 रह गई, 50 रह चुकी है, तो 50, और यहाँ पे इसको डिमांड है 30, तो ये इसको 30 सप्लाई कर देगा। 30 सप्लाई करने के बाद फ्रेंड्स इसके बाद अभी यहाँ पे 20 रह चुका है, क्योंकि 10 यहाँ पे कर चुका है, 30 यहाँ पे कर चुका है, इसके पास शेष 20 है, तो ये शेष 20 अपने यहाँ इसको देगा, शेष 20 इसको दे दिया। लेकिन शेष 20 इसको देने के बाद इसके बाद अभी अभी डिमांड है वो 20 की और डिमांड है, तो 20 की डिमांड है वो अपने पास 20 यहाँ से। फिर हमें इसमें सॉल्व करने से पहले सबसे पहले ये भी चेक करना होगा कि ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो बैलेंस है या नहीं। हमारे पास ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम थी, जो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ली थी हमने, इन दोनों का सम आ रहा था वो 150 आ रहा था, और यहाँ पे अब यहाँ पे इसने डिमांड इसकी 40 इसने सप्लाई कर दी, तो उसके बाद यहाँ पे इसके पास बचा 50, तो ये 50। इस तरह से हमारे पास ये जो सॉल्यूशन आया है, ये जो टेबल आ गई, ये जो टेबल है ये हमारे पास लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड के सॉल्यूशन है, और जो वैल्यू है वो वैल्यू जो कॉस्ट लगेगी वो लगेगी इसके पास 20 × 13 + 10 × 17 + 30 × 14 + 20 × 12 + 20 × 15 +
फिफ्टी इंटू ट्वेंटी, फिर हमने मल्टीप्लाई किया है 20 इंटू 13, 10 इंटू 7, 13 इंटू 14, 20 इंटू 12, 20 इंटू 15, 15 इंटू 20, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास जो टोटल सम था फ्रेंड्स, वो हो गया हमारे पास 1990। ये फ्रेंड्स टोटल सम में 1990 हो गया फ्रेंड्स। इसका मतलब ये नहीं है कि लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड ये दिया हुआ है हमारे पास, सॉरी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल दिया हुआ है। अब नॉर्थ कॉस्ट वेस्टर रूल से हमने किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे पास जो सोल्यूशन है ये मिनिमम वाला आ गया है, ये मिनिमम नहीं है, ये ओनली बी एफ एस है। इससे हम मिनिमम कैसे निकालते हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं इसी प्रॉब्लम को लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से, एल सी एम मेथड से सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स आप इस प्रॉब्लम को अपने पेज पर लिख लीजिए क्योंकि मैं इस प्रॉब्लम को हटाने वाला हूँ यहाँ से, क्योंकि और इस दूसरी प्रॉब्लम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये प्रॉब्लम ये दिखेगी नहीं, ये यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो यही अपनी कॉस्ट है उसको कॉर्नर में लिख लेना है हमने, तो ये जाएगा 13, 11, 15, 40, 17, 14, 12, 13, 18, 18, 15, 20। ये हो गया फ्रेंड्स जो डिमांड थी वो अपने पास 30, 40 एंड 50, और जो यूनिट अवेलेबल थी वो अपने पास 20, 60 एंड 70, टोटल सम था वो 150 था। अब फ्रेंड्स एल सी एम मेथड क्या कहता है, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, सबसे जिसकी कॉस्ट होगी सबसे कम होगी सबसे पहले वो एंटर कर जाएगा। इसमें हम सबसे कम वाला देखते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे 11 इसमें सबसे कम है या 12 सबसे कम है, 15 तो 11 सबसे कम है तो इसमें एंट्री कर जाएगा। 20 और 30 में से मिनिमम एंट्री करेगा तो मिनिमम 20 एंट्री कर गया, तो हम ये 20 एंट्री कर गया तो ये रो हमारे पास कंप्लीट हो गई। अब इस रो में हमारे पास कुछ भी एंटर नहीं करेगा, इसको चाहे तो हम क्रॉस कर सकते हैं इस तरह से, ये इसमें एंट्री कर जाएगा। अब फिर से हम सेकंड लोएस्ट में देखते हैं, तो सेकंड लोएस्ट क्या है अपने पास 12 है, तो 12 में इसमें एंट्री करेगा यहाँ पे, तो यहाँ 40 एंड 60 में से मिनिमम करेगा तो ये हो जाएगा 40, लेकिन अभी इसके पास 20 और अवेलेबल है, लेकिन इसको हमें और डिमांड की ज़रूरत नहीं है, इसे डिमांड नहीं है और, तो हम इसको काट सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से देखते हैं, हम जो काट दिए उन रो को और उन कॉलम को नहीं देखना है, उसके अलावा बाकी रो और कॉलम को देखना है कि मिनिमम क्या है। इसमें मिनिमम बाकी में अब है 13, यहाँ पर भी 13 है, लेकिन ये इसको काट चुका है, इसकी डिमांड हो चुकी है पूरी, ये जो इसकी अवेलेबिलिटी थी वो इसकी ख़त्म हो चुकी है, इसके पास अब कुछ भी नहीं है, ये नहीं दे सकता इसके लिए। तो अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर 13 है या सबसे कम, तो 13 देखता है ये 60, लेकिन इसके पास शेष कितना है 20 है ओनली, तो ये अपना 20 को यहाँ पर दे देगा, ये 60 में से नहीं देखना हमें, मिनिमम 60 नहीं देखना, क्योंकि अपने पास अब यहाँ पे जब 40 जा चुके हैं उसके बाद 20 बच गए थे, तो ये 20 अपने यहाँ दे देगा। और इस अब इस को हम काट सकते हैं क्योंकि इसमें जो भी अवेलेबिलिटी थी अवेलेबल जो भी था इसके पास 60 यूनिट, वो 60 यूनिट अपने दे चुका है, तो ये अब कहीं नहीं देगा। अब हम इनमें देखते हैं मिनिमम फ्रेंड्स, इसमें 18 मिनिमम है, तो ये 18 मिनिमम में अभी सबसे पहले जो करेगा अप्लाई करे जिसमें देगा वो होगा मिनिमम। अभी 18 इसमें भी दे सकता है, इसमें भी दे सकता है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे डिमांड है अपने पास कितनी 10 की, और यहाँ पे डिमांड है हमारे पास 30 की, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं आया, तो 13 जो मिनिमम कौन सा बैठेगा इससे, ये 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये बैठेगा, तो ये 10 यहाँ पे आ जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे ये अपने 30 यहाँ देना होगा इसको, और जो बाकी ये 30 है ये यहाँ पे दे देगा इस तरह से। फ्रेंड्स ये जो टेबल आई है ये टेबल आ चुकी है, ये हमारे पास एलसीएम टेबल एलसीएम मेथड से आ चुकी है, और इससे जो वैल्यू होगी वो मिनिमम कॉस्ट होगी, जो कॉस्ट होगी कॉस्ट वैल्यू होगी वो होगी 20 इंटू 11 प्लस 40 इंटू 12 प्लस 20 इंटू 13 प्लस 30 इंटू 18 प्लस 10 इंटू 18 प्लस 30 इंटू 20, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो फ्रेंड्स ये हो जाता है अपने पास 220, 480 प्लस 260 प्लस 540 प्लस 180 प्लस
600 अब फिर 180, अब इनका सम कर देते हैं हम, फिर से इसका सम आता है 2218। ये इसकी जो बीएफएस निकला था उसका सॉल्यूशन है। या फिर से पिछले उसमें देखा था जो नॉर्थ वेस्ट रूल था उसमें 1990 आ रहा था, और यहाँ पे 2280 आ रहा है। अभी वैसे लॉस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड है, लेकिन ये ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लॉस्ट लॉस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड होगा वो हमेशा मिनिमम, जो मिनिमम वैल्यू होगा वो देगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है, कोई सा भी दे सकता है मिनिमम। इससे हम आगे सॉल्व करते हैं इसको मिनिमम करने के लिए। ये ओनली एक बीएफएस दिया है हमारे पास, इसने बीएफएस दिया है। अभी बीएफएस को हम इस टेबल को ऑप्टिमल बनाते हैं, उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं वोगल अप्रोक्सीमेशन, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। फिर उसके लिए भी हम यही टेबल बना लेते हैं, इसी टेबल को हम नीचे लिख लेते हैं, तो वो हो जाएगी अपने पास D1, D2, D3, D4, O1, O2, O3। D11 13, 11, 15, 14, 17, 14, 12, 20, 18, 18, 15 एंड 20। और फ्रेंड्स यूनिट अवेलेबल है वो अपने पास, यूनिट अवेलेबल 20, 60 एंड 70, और जो डिमांड है वो है अपने पास 30, 30, 30, 50, और ये अपने पास टोटल जो बैलेंस प्रॉब्लम है तो ये हो गया 150। अब फ्रेंड्स वोगल अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करते हैं, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में पेनल्टी निकालते हैं, पेनल्टी निकालते हैं जो कि मिनिमम, जैसे इस रो को हम, इस रो की पेनल्टी हम निकाल रहे हैं, तो हम इसमें दो मिनिमम, जो मिनिमम लोएस्ट दो होंगे, जैसे यहाँ पे मिनिमम ये है और सेकंड मिनिमम ये है 13, 11 एंड 13, तो जो सबसे दोनों जो लोएस्ट मिनिमम होंगे उनका अंतर निकालते हैं, तो इसका अंतर हो गया 2, इसमें है 12 एंड 14, तो इसका हो गया 2 पेनल्टी, और इसका है अपने पास 15 एंड 18, तो इसकी पेनल्टी 3 हो चुकी है। इसी तरह इसकी निकालते हैं, इधर की कॉलम वाइज पेनल्टी निकालते हैं, तो कॉलम वाइज पेनल्टी हो जाएगी अपने पास, यहाँ पे हो जाएगी 13 एंड 17 के बीच में डिफरेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा 4, 11 और 14 के बीच में 3, 12 और 15 के बीच में 3, और देखते हैं 20 एंड 20 दोनों हैं, तो यहाँ पेनल्टी 0 हो जाएगी। फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं मैक्सिमम पेनल्टी वाले, मैक्सिमम पेनल्टी क्या है 4। अब फ्रेंड्स में मैक्सिमम पेनल्टी है वो 4 है। अब हम इसमें देखते हैं जो हाईएस्ट डिमांड है वो कहाँ पर है, हाईएस्ट डिमांड देखते हैं, तो हाईएस्ट डिमांड क्या है अपने पास, इसकी डिमांड जो 30 है, सॉरी यहाँ पे डिमांड 30 है। अब यहाँ पे देखते हैं मिनिमम वाला, मिनिमम कॉस्ट कौन से पर है, यहाँ 20 पर है, तो ये 20 यहाँ पे बढ़ देगा अपना, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा अपने पास। इसके खत्म होने के बाद फिर से हम पेनल्टी देखते हैं, तो इसकी पेनल्टी चेंज नहीं होगी, इसकी भी चेंज नहीं होगी, लेकिन कॉलम वाइज इसकी चेंज हो जाएगी, इसकी पेनल्टी जो होगी, पेनल्टी नेक्स्ट कंडीशन में होगी, इसकी पेनल्टी चेंज होके ये तो 1 आ चुकी है पेनल्टी, यहाँ पे 14 माइनस 18 4, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे पेनल्टी आ गई 3, यहाँ पे देखते हैं तो 20 माइनस 20, तो ये 0, ये आ चुकी है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम मैक्सिमम पेनल्टी देखते हैं, तो मैक्सिमम में पेनल्टी इसमें 14 है, तो इसमें इसमें एंटर करेगा, तो इसमें जो मिनिमम होगा उसकी इसकी उसकी जो डिमांड होगी वो सप्लाई होगी, फिर इसकी 30 है, यहाँ से 60 है, ये अपनी 30 दे देगा यहाँ पे, तो इसके पास बच गया 60 माइनस 30, यूनिट अवेलेबल अब 30 रह चुके हैं इसके पास, लेकिन इसकी अब अप्लाई यहाँ पे डिमांड पूरी हो चुकी है, तो हम इसको काट देंगे। अब फिर हम देखते हैं तो पेनल्टी इनकी चेंज नहीं होंगी, क्योंकि रो वाइज ये कॉलम वाइज यही है, कॉलम वाइज चेंज नहीं होगी, लेकिन रो वाइज में पेनल्टी चेंज हो जाएगी, तो रो वाइज देखते हैं इसमें 12 एंड 17 के बीच में डिफरेंस जो है वो है अपने पास 5 का, तो नई पेनल्टी जो आई है वो यहाँ पे है 5, और यहाँ पे पेनल्टी वो है 15 माइनस 18, ये 3 है, ये चेंज नहीं हुई।
अब यहाँ पे हाईएस्ट पेनल्टी फिर देखते हैं, जो हाईएस्ट पेनल्टी है इस बार 5 है, तो 5 इसमें हम देखते हैं मिनिमम मिनिमम कॉस्ट वाले देखते हैं, तो मिनिमम कॉस्ट है 12, इसकी डिमांड है 30, ये अपनी 30 डिमांड इससे पूरी कर सकता है। सॉरी फ्रेंड्स, इसकी डिमांड 40 है, इसकी डिमांड 40 है, तो यहाँ से 30 डिमांड यहाँ पूरी कर सकता है। इस अब हम इसको काट देंगे क्योंकि इसकी हो चुकी है, लेकिन इसकी अभी 30 है, तो यहाँ पे 10 और चाहिए अभी, तो इसको 10 और चाहिएगी, तो इनको लेने के लिए अब वो इसी में देखते हैं। अब इसमें हम देखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि लास्ट है, तो लास्ट में हमें जहाँ पे हमें डिमांड कम पड़ रही है वो इसी के अकॉर्डिंग भर दी जाएंगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास 20 आ चुकी है, तो यहाँ पे हम 10 भरेंगे, यहाँ पे 10 की ज़रूरत है, तो 10 यहाँ से लेगा ये, और यहाँ से 50 की ज़रूरत है, तो ये 50 यहाँ से लेगा। इस तरह फ्रेंड्स, ये हमारे पास वोगल अप्रोक्सीमेशन से हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया, टेबल आ चुकी है। अगर हम इसका हम सॉल्यूशन निकालना चाहें तो वो सॉल्यूशन होगा 30 इंटू 14 प्लस 30 इंटू 12 प्लस 10 इंटू 18 प्लस 10 इंटू 15 प्लस 50 इंटू 20, और ये होगा 20 इंटू 13 प्लस 20 इंटू 13। अब फिर से इसका सम कर देते हैं, फिर से इसका समय वो आ गया अपने पास 2470। फिर से हमारे पास इसका एक और इससे वोगल अप्रोक्सीमेशन से जो मिनिमम वैल्यू आ चुकी थी वो आ चुकी थी, जो वैल्यू आई है वो 2470 आई है। इस तरह फ्रेंड्स, ये इसके इसका मतलब ये हुआ कि वोगल अप्रोक्सीमेशन या लोस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल हम किसी से भी सॉल्व करें, जरूरी नहीं है कि उससे हमारे पास जो वैल्यू हो वो इक्वल आए, वैल्यू इक्वल नहीं भी आएगी, लेकिन जो अपने पास एक BFS मिल जाएगा उससे BFS को हम आगे सॉल्व करते हैं मिनिमम करने के लिए। उस मिनिमम करने का हम जो वीडियो तरीका है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।